बीते 8 अक्टूबर को सहारघाट बाजार के कपड़ा व्यवसायी राजकुमार गामी के घर हुए भीषण डकैती का मधुबनी पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित SIT ने की है, जिसने महज 10 दिन में कांड का उद्भेदन कर लिया है। घटना में सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले के अपराधी शामिल थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कांड में पीड़ित राजकुमार गामी की घर की रेकी करने वाला सहारघाट का एक मोबाइल दुकानदार ही निकला है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसहर निवासी स्वर्गीय ज्ञानी शाह का पुत्र चंद्र नारायण शाह, मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगौर निवासी दिनेश शाह का पुत्र पप्पू कुमार, सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना अंतर्गत उलीपुर निवासी सुखदेव राय का पुत्र मनोज कुमार यादव, शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुपौली निवासी रूप नारायण सिंह का पुत्र राजीव कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना अंतर्गत गढ़वा निवासी उलायत अंसारी का पुत्र अकबर अंसारी, शिवहर जिला के श्यामपुर थाना अंतर्गत लालगढ़ निवासी इंद्रदेव शाह का पुत्र अरुण कुमार शाह, शिवहर जिले की पिपराही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकरवा निवासी तस्लीम मंसूरी का पुत्र मोहम्मद मुमताज, शिवहर जिले के श्यामपुर थाना के लालगेट जुगिया निवासी वैद्यनाथ राउत का पुत्र शैलेंद्र राउत, सीतामढ़ी जिले की रीगा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर भवदीपुर निवासी दिनेश शाह का पुत्र राहुल शाह, वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कजरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुजफ्फरपुर निवासी छठहू खलीफा का पुत्र रोशन खलीफा के रूप में हुई है। पुलिस ने पप्पू कुमार के घर से लूटे हुए 4 चांदी के सिक्के, 3 चांदी की हनुमानी, 6 चांदी का अंगूठी भी बरामद किया है। वहीं सभी के पास से 12 मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस बाबत प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए SP सुशील कुमार ने बताया कि शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसार निवासी स्वर्गीय ज्ञानी शाह का पुत्र चंद्र नारायण शाह का साला, जो कि पप्पू कुमार सहारघाट में मोबाइल दुकान चलाता है, वही लगातार राजकुमार गामी की घर की रेखी कर रहा था, जिसके सहयोग से योजना बनाकर नेपाल समेत बिहार के कई हिस्सों के डकैतों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया गया। इन आरोपियों ने मधुवापुर में 2, सहारघाट में 1 और लखी में 1 डकैती कांड में अपनी संलिप्तता होने की बात स्वीकार की है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सहारघाट में हुई डकैती की घटना के बाद बेनीपट्टी SDPO नेहा कुमारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया था, जिसमें तकनीकी सेल की मदद से पुलिस सभी घटना में शामिल होने की पुष्टि कर कांड का उद्भेदन किया है। देखिए इस बाबत प्रेस वार्ता में SP ने क्या कुछ खुलासा किया है। कहानी है इसमें बताने के लिए तो फिर हम फ्लोर टूट जाता है मेरा। स्टार्ट करें जी। दिनांक 8 और 9 की रात्रि में सहारघाट थाना क्षेत्र में सहारघाट मार्केट में ही राजकुमार गामी जी हैं, उनके घर में लगभग 35 से 40 के आसपास में अपराधकर्मी डकैत के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। उसमें वहाँ पे जो हमारा फोर्स डिप्यूट था सहारघाट थाना क्षेत्र में, उसमें एक हमारा होम गार्ड भी जख्मी हुआ था। उसके अलावा राजकुमार गामी के परिवार में भी डकैती के क्रम में उनके परिवार के भी 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग काफ़ी गंभीर तरीके से जख्मी हुए थे। उसमें तुरंत हम लोग सारी टीम पहुंची थी वहां पे, और पूरी पुलिस की टीम जो है जिले से लेकर के और सभी बेनीपट्टी अनुमंडल के जितने भी थाना अध्यक्ष थे, सभी को इसमें SIT में लगाया गया था। हमारी टेक्निकल टीम तभी से लगातार काम कर रही थी इस पे इनपुट में, और इसमें जो CCTV फुटेज आया था और उसके अलावा जो तकनीकी अनुसंधान, हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन सभी पे काम करते हुए कुछ क्लू मिला था। उसमें एक बात जो पता चली कि एक चंद्र नारायण शाह है, जो है तरियानी जिला शिवहर का,
लेकिन ये जो है दिनेश शाह है, जिनका सहार घाट में जो घटना स्थल है, राजकुमार गामी का घर है, उसी के बगल में इन्होंने, ये जो दिनेश शाह है वो घर बनाए थे 1-1.5 साल पहले, और वहीं पे बस गए थे। दिनेश शाह का बेटा पप्पू शाह मोबाइल का दुकान चलाता था, जो राजकुमारी गामी के जस्ट सामने ही इसका मोबाइल का दुकान था। चंद्र नारायण शाह जो है तरियानी का शिवहर का, उसका ये ससुराल था। ये 1.5 साल से अपने ससुराल में रह रहा था, और इसी ने सारी रेकी की थी। चूँकि ये मोबाइल का दुकान जो है राजकुमार गामी का घर के जस्ट सामने था, तो ये लगातार वहीं से नज़र रखते थे। वो रेकी की थी उसने, और उसी ये जो चंद्र नारायण शाह है जो मेन रेकी करने वाला है, ये पहले पिपराही थाना कांड संख्या में भी डकैती में शिवहर थाना में शिवहर से जेल गया था, डकैती मामले में वहाँ पे 11 महीने जेल में रहा था ये। उसमें ये जो है बहुत आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, उसी को करने के लिए आर्थिक मदद मिले उसके लिए ये डकैती की घटना करता था। जब वो 11 महीने जेल में था, तब इसके संपर्क में और भी लोग आए थे शिवहर के, कुछ सीतामढ़ी के लोग जो कि डकैती की घटनाओं में शामिल रहते थे, उनके साथ इसकी दोस्ती हो गई थी। और ये जो है यहाँ पे इसने प्लानिंग की थी, और इसमें जो है पप्पू कुमार जो उसका साला है वो भी सम्मिलित था। उसके अलावा जो है एक जमील अख्तर नाम का अपराधी है, जो वो भी शिवहर का है, लेकिन वो बेलसंड सीतामढ़ी में उसका बहन का घर है वहीं पे रहता था, और उसने कुछ लोगों को बेलसंड से अरेंज किया था जो कि लेके आएंगे घटना के दिन। उसके अलावा कुछ जो है शिवहर से भी लोग आए थे, और कुछ लोग जो है मुजफ्फरपुर से भी आए थे। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेट ऑफ लोगों को अरेंज किया था। और ये जो चंद्र नारायण शाह है, ये जो नेपाली डकैत है जिसको जो पहले भी हमारे यहाँ वांटेड है, उसमें भी उससे भी ये संपर्क में लगातार रहा है। घटना के दिन भी संपर्क में था, और उससे पहले भी लगातार संपर्क में रहा है। तो इसी ने इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी, और हम लोगों ने इसमें सारी अनुसंधान के क्रम में 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें सभी पे हम लोगों का या तो वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत ही हम लोगों ने उनको पकड़ा है, और या फिर जो POP जो CCTV फुटेज है उसके आधार पे हम लोगों ने पकड़ा है। तो जो 10 लोगों की गिरफ्तारी है, उसमें चंद्र नारायण शाह थाना तरियानी जिला शिवहर का है, दूसरा पप्पू कुमार हरलाखी का है लेकिन वर्तमान में सहार घाट उसी का मोबाइल का दुकान था जिस पे ये इसका साला चंद्र नारायण शाह रहता था, और वहीं पे और अपराधी आते थे और वहीं से रेकी किया था। मनोज कुमार यादव ये है बेलसंड का सीतामढ़ी का, ये रात में ये अपनी इसको स्कॉर्पियो लेके आया था, और मधवापुर में बासुकी पे 6-7 अपराधियों को उसने उतारा था, और सुबह भी वहीं से वापस ये सीतामढ़ी लेकर गया था। राजीव कुमार सिंह भी साथ में आया था, अकबर राजीव कुमार सिंह भी तरियानी सीतामढ़ी का है, अकबर अंसारी बेलसंड सीतामढ़ी का है, अरुण कुमार शाह ये भी शिवहर का है श्यामपुर थाना, मोहम्मद मुमताज ये भी पिपराही शिवहर का है, शैलेंद्र राउत श्यामपुर जिला शिवहर का है, राहुल शाह जिला सीतामढ़ी का है, और रोशन खलीफा कजरा जिला मुजफ्फरपुर का है। चोट किसको लगा था पहले भी? मुमताज। तो इसमें एक मुमताज पकड़ा गया है, हाँ मोहम्मद मुमताज पकड़ा गया है। वो पहले भी डकैती की घटना में शामिल था, जिसमें बम चलाने के दरमियान ही उसको खुद के अपने शरीर में भी चोट लगी थी, जो अभी तक उसके जख्म है, काफ़ी गहरा जख्म है उसके शरीर पे भी। तो ये 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ बरामदगी भी हुई है चंद्र नारायण शाह के पास से। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।